चलिए अगला सवाल लेते हैं। राहुल कुमार का हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाजीपुर बिहार से। राहुल जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर जी। सर मैंने वेदांता लिया था 231.50 रुपए पे 250 क्वांटिटी। सर अभी का जो कंडीशन वेदांता है वरना इसमें क्या करना चाहिए सर, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ। गावा सर क्या करना चाहिए? मुझे तो वीक लग रहा था, इनफैक्ट मैं रोक था कि वेदांता अब ये आपको मिला यार, लेकिन मुझे तो स्टॉक स्ट्रक्चर वीक है, कुछ भी हो सकता है, आई विल अवॉइड इट कंप्लीटली अवॉइड। तो इनको बेच देना चाहिए क्या? इनके पास जो है कॉस्ट में मिल रहा है या प्रॉफिट मिलता तो थोड़ा होल्ड कीजिए, आपको मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से क्लैरिटी मिसिंग है, रेसिस्टेंस है करीब 270 के आसपास, 260 के आसपास, वहां से जा सकता है। दो तीन रुपए इनके भाव से ऊपर है अभी, 228 नहीं 2-3 रुपए नीचे इनके भाव से, 28 पे 31 पे। आज कई सारी ब्रोकरेज अकाउंट्स में 240 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, जब क्लैरिटी हो जाए फिर देखें क्या होता है। फंडामेंटल मुझे समझ में नहीं आता है, जब फंडामेंटल नजरिया क्लियर हो जाएगा तब क्लियर हो जाएगा। ओके तो भाई इसको नया तो नहीं लेना है, और अगर आपके पास है 2-3 रुपए का डिफरेंस है तो गावा जी की राय है कि इसमें से निकल जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए इसमें। अगला सवाल है हरिराम सिंह अजमेर राजस्थान से। हरिराम जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर, मेरे पास वोडाफोन आइडिया की शेयर है 1012 रुपए की बाइंग से। ओके का अभी आजकल में खरीदा है क्या? हाँ सर, थोड़ा सा टाइम हो गया, 10-15 दिन के आसपास से। अभी नीचे आ गया है ग्रुप 22 पे से। गावा जी क्या करना चाहिए वोडा आइडिया में? मैं देख रहा हूँ आइडिया ना, मैं आइडिया की कोशिश कर रहा हूँ, चार्ट निकल जाए तो देख लेता हूँ, मिल जाएगा चार्ट, यस मिला है, आइडिया ठीक है, अब मुंह मिल सकता है आइडिया में, सो फार इट्स अ गुड आइडिया। 11.78 रुपए ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल 14 तक भी जा सकता है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए आइडिया। ओके होल्ड करना चाहिए इसको, रेसिस्टेंस थोड़ा आएगा, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है करीब 15 के आसपास, एक बार वो पार कर लेगा तो अच्छा है। ओके अनिकेत अकालेकर का सवाल है, ये गावा जी आपसे जानना चाहते हैं कि एनसीसी के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 1062 रुपए पर, 5 साल के लिए इनको कोई चिंता नहीं है, बताइए सर। फिर तो होल्ड करना चाहिए, थोड़ा अनस्ट्रेचिंग हो सकता है, टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, होल्ड करना चाहिए, एनसीसी बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए, बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करिए। अगला सवाल है निधि अग्रवाल का, इन्होंने मेट्रो ब्रांड्स 33 शेयर ले रखे हैं 788 रुपए पे, शुड वी होल्ड और सेल? मेट्रो ब्रांड आई थिंक इट्स गुड, स्ट्रक्चर बढ़िया है, कंटिन्यू होल्डिंग इट, ऑन है, 1272 पे ट्रेड कर रहा है, इतना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लगा 1150 का, 1100 का, कंटिन्यू होल्डिंग इट मेट्रो ब्रांड्स, कंटिन्यू होल्ड करिए, 1300 रुपए का स्टॉक हो गया, अब तो अच्छा फायदा है, इसको होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।